सीन टावर, इधर क्या सीन टावर, किधर गया? आ रहा। सबसे बड़ी बात इस वीडियो की भाई, उस साइड जो है यूएस है, एंड वो आप ब्रिज देख रहे हो ग्रीन कलर का, वो वाला मेरे फिंगर से, वो यूएसए है। ओके, और ये ब्रिज जो है ना, ये वाला ब्रिज, ये आपको यूएसए लेके जाता है वहां से कस्टम क्लियर करने के बाद। हाँ जी भाई, तो कैसे आप सब, हम लोग आगे एक और नई वीडियो के साथ। और भाई जैसा आप लोगों को वीडियो के अंदर बोला था कि भाई नायग्रा फॉल जाने का प्लान है, तो भाई नायग्रा फॉल्स आ चुके हैं। अगले दिन तो नहीं, बट उसी दिन हमने जो है शाम को प्लान बना लिया नायग्रा फॉल्स आने का। और पूरे दो घंटे लगे हमें, नायग्रा फॉल्स आने में। अभी हमने एंटर नहीं किया भाई, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी यहाँ पे आया नहीं, ना ही मनीष आया, तो ये सीन है यहाँ का। जैसा मनीष बता रहा है, ये बॉर्डर है, ये बाय रोड बॉर्डर है, तो okay. आप जैसे देख सकते हो ना, इंडिया में जैसे कहते हैं टूल प्लाजा, तो वैसे करके यहाँ पे बॉर्डर है, खबर है ना, वो यहाँ का कस्टमर ऑफिस है। ओके, तो आपको वहाँ लेके जाते हैं, वहीं पे आपके सब कुछ। तो एंट्री कहाँ से है नायग्रा फॉल्स की? एंट्री यहाँ से है। चलो फिर चलते हैं। और भाई हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है यहाँ पे, हमें एक घंटे का $5, दो घंटे का 10 और 3 घंटे का 18 दो के बाद ऊपर, मतलब ऐसा था कि आप 8 घंटे का थ्रेशोल्ड था कि भाई आप 8 घंटे तक रख सकते हो, तो उसके हमें लगे हैं भाई $18, राइट कि 15? 18 डॉलर लगे हैं उसको, तो हमने 8 घंटे वाला ले लिया। अब 2-2.5 घंटे में तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे, बाकी देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पहली तो हम कभी आए नहीं, मनीष तो आया कभी यहाँ पे? भाई पहली बार आया, और ऐसे आऊँगा ये अब सोचा नहीं था कभी। हाँ भाई ऐसे नहीं, मैंने ये सोचा था कि भाई जब मैं नायग्रा फॉल्स आऊँगा तो अपनी गाड़ी लेके आऊँगा, बट गाड़ी रेंट पे करके आए हैं, बट कोई बात नहीं, इसकी भी फील एक अलग ही है। बाकी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यार मैंने सोचा था कि मतलब काफ़ी भीड़ भड़ाका होगा यहाँ पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में नहीं, जो उन्होंने पीछे बना रखा है ना, वो बिल्डिंग वगैरह से थोड़ा डेकोरेशन, थोड़ा सा वैसा सा वाइब आ रहा है। बाकी चलते हैं, और यहाँ पे क्या क्या है उसके अलावा? मतलब कैसीनोज हैं, ये पार्क है, आप देख सकते हो कैसीनो नायग्रा पार्क। और यार मैं और मनीष ना, वैसे देखो हम बात करते हैं पंजाबी में, तो मनीष का मुझे जब वो बोल रहा है ना हिंदी में, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली पंजाबी बात करते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग, हाँ क्योंकि हम लोग पंजाबी में बात करते हैं इसलिए। बाकी यहाँ पे थोड़ी विंटेज कार्स वगैरह भी हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ है यार। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे वो वीडियोज़ वगैरह में दिखता है ना कि भाई यहाँ नायग्रा फॉल्स है सिर्फ, हाँ वो पानी झरना सा है बस, वो पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह, शॉपिंग के लिए आउटलेट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा। तो वो है हमारी डेस्टिनेशन, वहाँ पे हमको जाके देखना कि भाई कैसा व्यू आता है कैसा नहीं, तो वहाँ चलते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे काफ़ी पंजाबी मिलेंगे यहाँ पे, बट ऐसा अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है यहाँ पे। ऑफेंड मत होना भाई कोई भी, तो चलते हैं। सो अगर आपको बताऊं तो हम ये बस बॉर्डर से दूर हैं यूएसए के, अगर ये बॉर्डर टाप जाए तो यूएसए पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। भाई बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस लोकेशन पे भाई, जो अभी तक मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है। 2 साल हो गए भाई कनाडा में, बट तब भी वीडियोस में ही देखा है ना, 2 साल कनाडा में रहने के बाद भी बना, हाँ वीडियोस में देखा है, प्लान बना नहीं था। उस साइड यूएस है, किस साइड यूएस है? उस साइड यूएस है, तो वहाँ चलते हैं देखते हैं। आप ये सोच सकते हो यार कि 2 साल कनाडा में रहने के बाद भी जो है हम लोग सिर्फ वीडियोस में देख रहे हैं, झंडा दिखा सकते वहाँ चलते हैं। भाई मेरे पीछे नायग्रा फॉल्स है, जिसका पूरे 2 साल वेट किया था कि हाँ नायग्रा फॉल्स जाएंगे, और फाइनली आ चुके हैं नायग्रा फॉल्स। जैसा आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर व्यू आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ से प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा, नीचे जाके जो है उस साइड से हमें काफ़ी आगे तक जाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर व्यू आएगा, तो वहाँ जाने का प्लान है। बाकी मेरे पीछे देख सकते हो इन्होंने छोटा सीएन टावर बना रखा है यहाँ पे। और ये होटल है जिस पे आप पर नाइट स्टे कर सकते हो, मतलब आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो और अच्छा व्यू ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो की भाई, उस साइड जो है यूएस है, एंड वो आप ब्रिज देख रहे हो ग्रीन कलर का, वो वाला मेरे फिंगर से, वो यूएसए है। ओके, और ये ब्रिज जो है ना, ये वाला ब्रिज, ये आपको यूएसए लेके जाता है वहाँ से कस्टम क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो आप कैसे वो देखो, आपको अगर दिखेगा नहीं बहुत दूर है, यूएसए का फ्लैग हम नॉर्मली देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि भाई क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है फॉल देखने का, तो वहाँ चल के आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। भाई कभी कभी ऐसा बिलीव नहीं होता कि कनाडा और यूएस इतना पास है। और भाई मैं सच बताऊँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार कि मैं ना इतने सारे लोगों के बीच में जो है व्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी चल चल के, मतलब ना थोड़ा सा वेट भी लग रहा है और लोग भी देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं यार, टाइम आएगा लोग आके कहेंगे आप सुहेल भाई हो ना, नहीं ज़्यादा हो गया ग्रोथ के ऊपर है ना, ऐसी ग्रोथ हो जाएगी। बाकी यहाँ से प्लान है सीएन टावर जाने का, बाकी पहले यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मेरे पीछे देख सकते हो फ्लो का, आप लोगों को ना वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, बट भाई सच बता रहा हूँ फ्लो बहुत ज़्यादा है पानी का,
पहले हम उस साइड खड़े थे, बट वहाँ पे ना कोई वो जो पॉइंट था ना वो इतना अच्छा नहीं था ना, पे इससे वहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा था, बट यहाँ से जो है एकदम क्लियर दिख रहा है। आपको पता नहीं वीडियो के अंदर जो आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी पानी की, बट हाँ ठीक ठाक है। बाकी बोटिंग का क्या प्लान है मनीष, बोटिंग का कितना खर्चा है? बोटिंग का ना आई थिंक कोई टाइमिंग होती होगी, अगर हम पूछ लेते हैं कि अभी बोटिंग के लिए जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट समर है, खुला होता है 9-10-11 बजे तक, बट द थिंग इज 7:30 हो चुके हैं, मुझे लगता है बोटिंग को लाओ करेंगे भाई, देख लेते हैं। तक यहाँ पे आए नहीं तब तक भाई कैनेडियन बने नहीं, नियाग्रा फॉल्स जो कनाडा आ गया वो नियाग्रा फॉल्स जरूर आता है। मेरा भी एक था कि भाई मुझे नियाग्रा फॉल्स घूमना है। आगे चलते हैं और आप क्राउड देख लो एक बार यार। मेरे को ना पता क्या, मेरे को ये उम्मीद थी कि ना मेरे को ना पंजाबी बहुत मिलेंगे यहाँ पे देखने को, बट मुझे पंजाबी कोई दिखा नहीं, मुझे सिर्फ कैनेडियंस ही दिखे हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ से व्यू अच्छा आया था बट मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया, बट आगे चल के आप लोगों को और अच्छा सा व्यू दिखाते हैं जिसमें ना सारी जिसमें जो सारी बोट्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिले। तो आगे चलते हैं वहाँ देखते हैं, पहले इस पॉइंट से देखते हैं कि कैसा आता है। यहाँ से दिख रहा है नियाग्रा फॉल्स, बट वो शटिंग करनी पड़ती है। वो रेड वाली जो है वो कनाडा की है, राइट? वो रेड वाली जो है वो कनाडा की है, कनाडा की बोट्स हैं। तो भाई सच बताऊँ, मेरा मन था पहले कि भाई मैं ना उस बोट में बैठूंगा, बट जब मैंने ये फ्लो देखा ना पानी का, तो यार मेरा मन किया नहीं बैठने का सच कहूँ तो। अब मेरा मन कर नहीं रहा भाई इस बोट में जाके बैठने का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। बोट वीडियो काली आ रही मोदी की, हाँ। और अब मेरा मन कर नहीं रहा यार बोट में जाके बैठने का, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। बट एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जितना जितना हाइप था है ना भाई नियाग्रा फॉल्स का, उतना तो कुछ खास है नहीं ना, उतना तो कुछ खास है नहीं यार, बट ठीक है। इंडियंस ज़्यादा यहाँ पे कैनेडियंस हैं, बाकी स्पेशली ये वीडियो यार ये घर वालों के लिए भी है, उन्होंने देखा नहीं होगा सही से तो मैं दिखा देता हूँ। और ये जो रास्ता है ना, ये वाला ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बोट में बैठना चाहते हैं, जो बोटिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। बट जब हम लोग नियाग्रा फॉल्स यहाँ पे आए थे ना तो बहुत गर्मी थी भाई, सच बता रहा हूँ बहुत गर्मी थी, बट जैसे जैसे हम लोग पास आते गए ना नियाग्रा फॉल्स के, तो भाई पूरा जो अंदर से पूरी बॉडी अंदर से भी बाहर से एकदम ठंडी हो गई है, मतलब मज़ा आता। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मुझे वो चीज़ करनी थी यार, बट उसके लिए हम लोग काफ़ी लेट हो गए, वो चीज़ करनी है। पर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आएंगे कि यार वो चीज़ भी एक्सपीरियंस करें। और उसका क्या खर्चा था ज़्यादा यार, $100 होगा, ऐसा तो होगा नहीं, बट देखो यार वो लोग वहाँ से उस चीज़ को क्रॉस करके आते हैं अंदर से, तो यार वो एक्सपीरियंस काफ़ी थोड़ा सा हॉरिफाइंग भी हो सकता है, तो मतलब ये सीन है। बाकी यार पानी का फ्लो बहुत तेज़ है और मज़ा भी आ रहा है, मतलब वो होता है ना कि वो कीड़ा था अंदर यहाँ पे आने का ना, वो कीड़ा निकल चुका है मनीषा, तो वो चीज़ है। इस वक्त ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो नियाग्रा फॉल्स का सबसे जो है क्लोजेस्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई भी ऐसा पॉइंट जैसे आप लोग नियाग्रा फॉल्स देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। यहाँ से जो पानी का फ्लो है भाई नेक्स्ट लेवल है, काफ़ी तेज़ है भाई। आप लोग पानी का फ्लो देखो यार, व्यू चेक करो, और ये जो वीडियो यार मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो गोप्रो है ना उसमें वॉल्यूम कुछ सही से आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है, मुझे पता नहीं कि भाई वॉल्यूम है कि नहीं है। बाकी फ्लो काफ़ी यहाँ पे पानी का, आवाज़ भी काफ़ी है पानी ना, मतलब उड़ के मुँह पे आ रहा है, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये लास्ट पॉइंट है, तो भाई इस वक्त जैसे भाई अंधेरा हो चुका है और काफ़ी टाइम के बाद भाई हमने काफ़ी सोचा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बट फाइनली डिसाइड ये किया कि भाई सीएन टावर चलते हैं। सोचा था ब्लू माउंटेन वगैरह जाने का, बट उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया हमारा ड्राइविंग में, तो हम यहाँ पे आ गए। और मेरे पीछे आ गया सीएन टावर, इधर गया सीएन टावर, किधर गया आ रहा सीएन टावर आप लोगों को दिख चुका होगा। और भाई मेरा ऐसा, मैं आ चुका हूँ पहले भी यहाँ पे एक दो बार, बट भाई के साथ मैं गाड़ी में घूम के इधर तक निकल गया, बट मैं ऐसे कभी अकेले नहीं आया, वॉक नहीं किया मैंने यहाँ पे डाउनटाउन में आके, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और मुझे सच कहूँ तो भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है लिटरली। मैं किचनर में रह के ना भाई, मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहाँ जंगलों में रह रहा था, यहाँ पे लिटरली अच्छा लग रहा है भाई। सीएन टावर के पास में एक चीज़ मिली है, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई, ये देख रहे हो rickshawservice.com। देखे जैसे इंडिया में होता है ना पंजाब में अपने 10-10 रुपये 15-15 रुपये, वो दिन यहाँ भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, होगी बहुत जल्दी आने। और ये जस्ट सामने रॉजर सेंटर, जहाँ पे दिलजीत दोसांझ परफॉर्म करेगा यहाँ पे आके। यहाँ तो बहुत एक्साइटेड था कि भाई डाउनटाउन जाऊँगा एकदम मस्त, मतलब चकाचौंध होगी, चकाचौंध तो है बट लोग नहीं है यहाँ पे भी, मुझे लग रहा है कि पूरे कनाडा में ही लोगों की कमी हो चुकी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई वो मुझे नहीं अच्छा लगा भाई, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि भाई आओ टोरंटो डाउनटाउन में आओ, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा ये चीज़। बाकी हम लोग पिछले 15 मिनट से वॉशरूम ढूंढ रहे, वो भी नहीं मिल रहा,
अरे आज कुछ नहीं है, जब न्यू ईयर होता है, जब कोई और फेस्टिवल होता है, बहुत भीड़ होती है। उसके अलावा रखने की भीड़ भी नहीं होती। उसके अलावा दिन में होती है। अब तो देखो टाइम भी 12 बज रखे हैं रात के, 11 घंटा ही मिलेगा यहाँ पे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं नेथन स्क्वायर, नेथन स्क्वायर जहाँ पे टोरंटो लिखा हुआ है। टोरंटो लिखा हुआ है।